हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हाल ही में सिर का ऑपरेशन हुआ है। अनिल विज का स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते हरियाणा के बजट में भी शामिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से भाजपा के नेता अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। आज विज से मिलने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मिलने पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने विज का हाल चाल लिया और विज की लंबी उम्र की कामना की और कहा कि जल्द अनिल विज ठीक होकर जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने बजट पर बोलते हुए कहा कि चौमुखी विकास हरियाणा सरकार चाहती थी, उसी को बजट में पेश किया गया है। पिछली बार से बजट में 11% की वृद्धि की गई है। बजट में सरकार ने छुआ है और एलोकेशन जो डिपार्टमेंट वाइज हुई है पहले से भी 11% की वृद्धि, मैं मानता हूँ जो चौमुखी विकास हरियाणा का हमारी सरकार चाह रही थी उसको। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हाल ही में सिर का ऑपरेशन हुआ है। अनिल विज का स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते हरियाणा के बजट में भी शामिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से भाजपा के नेता अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। आज विज से मिलने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मिलने पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने विज का हाल चाल लिया और विज की लंबी उम्र की कामना की और कहा कि जल्द अनिल विज ठीक होकर जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने बजट पर बोलते हुए कहा कि चौमुखी विकास हरियाणा सरकार चाहती थी, उसी को बजट में पेश किया गया है। पिछली बार से बजट में 11% की वृद्धि की गई है। बजट में सरकार ने छुआ है और एलोकेशन जो डिपार्टमेंट वाइज हुई है पहले से भी 11% की वृद्धि, मैं मानता हूँ जो चौमुखी विकास हरियाणा का हमारी सरकार चाह रही थी उसको नहीं चाहिए। बजट में सरकार ने छुआ है और एलोकेशन जो डिपार्टमेंट वाइज हुई है पहले से भी 11% की वृद्धि, मैं मानता हूँ जो चौमुखी विकास हरियाणा का हमारी सरकार चाह रही थी उसको नहीं चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।